नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन बैंक और आज हमें उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में और यहाँ के किसानों से जानेंगे हम कि वो किसके साथ है, नित्यानंद राय या फिर उपेंद्र कुशवाहा। तो आइए जानते हैं इनसे इनकी राय। किसके साथ, उपेंद्र कुशवाहा या नित्यानंद राय? उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा ही क्यों? नहीं, वो नया न्यू गवर्नमेंट बनेंगे। क्या लग रहा है, उनकी सरकार आएगी तो जी आएंगे? कितना फायदा होगा इससे? बढ़िया फायदा होगा, हम लोग को उम्मीद है। एक बार सबको देना चाहिए चांस। पिछले सांसद उनसे क्या प्रॉब्लम है आपको? उनसे प्रॉब्लम आज तक किसी जनता से भेंट नहीं किए। उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं सर। उपेंद्र कुशवाहा ही क्यों? इसलिए जो सारे साल बदलना है तब ना काम होगा यहाँ। अच्छा, क्या लगा नित्यानंद जो सांसद है आपके जी, वो काम नहीं किए यहाँ? जी नहीं, हम लोगों को सर जैसे चलिए रोड दिखाते हैं, कैसा रोड बनाए हैं, क्या बनाए हैं, देखने का चीज है सर। हम लोग उनको बुलाने के लिए गए कराए पुल चौक पर, तो जो है सर वहाँ देखने के लिए भी नहीं आए, तो कहे देंगे उनको वोट। नित्यानंद जी का है, हम लोग यहाँ पर खुले आ रहे सब ही आदमी है। काम किए नित्यानंद जी? हाँ, काम किए हैं, ऐसे बात नहीं है काम नहीं किए, बहुत काम किए हैं। अभी सभी जीतेंगे, सभी तो उन्हीं को बेदर कहे हुए हैं। कुशवाहा के साथ क्यों? कुशवाहा के साथ क्यों? उससे कुछ प्रॉफिट हमको नहीं हुआ जी, इसलिए। मतलब नित्यानंद राय आप लोगों को कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं, इस क्षेत्र को कोई बिगाड़ नहीं मिला। लालू जी को जो पक्ष में उसी को देंगे। अच्छा, हम तो लालू प्रसाद के साथ में हैं जी। तो महागठबंधन का उम्मीदवार है उपेंद्र कुशवाहा जो इलेक्शन में खड़े हैं, तो मतलब उनके साथ? हाँ, उन्हीं को साथ में। हम लोग मोदी यार के को नहीं दिए है, हाँ हम लोग को बर्बाद कर दिया सर। अच्छा, वजह क्या है उपेंद्र कुशवाहा के साथ जाने का? अच्छा, कुछ बढ़िया आदमी है, युवक लोग है, बढ़िया खूब बढ़िया आदमी है। इसमें हम किसी को साथ नहीं है, हमको आज तक कुछ नहीं दिया, ना बिजली बिल भी नहीं दिया, ना पानी पीने के लिए दिया, कुछ नहीं। हम जिस जैसा मान लेगा वैसा वोट देंगे नित्यानंद राय जी को। नित्यानंद राय जी यहाँ के सांसद हैं। नहीं, मेन कारण क्या है कि रामविलास जी वर्तमान जी लोक जनशक्ति पार्टी के आता, हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी से आते हैं सदस्य हूँ, तो इसीलिए हम लोग नित्यानंद राय दे देंगे वोट। अच्छा, वो यहाँ के अभी सांसद है। हाँ जी, विकास उनसे मिला है आपको? विकास मिला है, उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। हमको तो मान के चलिए वही जो है सो जितना जाल है ना उन्हीं को देंगे हम, पंखे साहब में। उपेंद्र कुशवाहा को ही क्यों जिताना चाह रहे हैं आप? हम कह दिए ना एक बार जो बस पंखे साहब में देंगे उपेंद्र कुशवाहा। क्यों उपेंद्र कुशवाहा क्यों? गठबंधन है इसीलिए, मतलब लालू जी को हम लोग वोट दे रहे हैं। अच्छा, तो उपेंद्र कुशवाहा को इसलिए जिता रहे हैं। अच्छा, नित्यानंद राय क्यों नहीं? वो काम नहीं किया है। अच्छा, और वो बीजेपी में है इसीलिए उनको नहीं देंगे वोट। हम लोग तो अभी उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं इस साल, पिछले साल हम लोग नित्यानंद के साथ थे, लेकिन कोई मोदी गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा, पहला और उनका जो मैनिफेस्टो था 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम लोग नवयुवक, हम लोग को तो रोजगार चाहिए, उस वो नहीं दिए। डिमोनेटाइजेशन करके सबको बैक कर दिए, इंडिया का GDP घटा दिए, 7.1 से 6.1 कर दिए। मोदी जी के साथ हम लोग क्यों जाए फिर? कौन आ सकते हैं यहाँ से? नित्यानंद राय को हम लोग देंगे। अच्छा, नित्यानंद राय को ही क्यों देंगे? उल्टा बजे यार, नित्यानंद राय को देंगे ये, मतलब जो है से हम लोग काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो संसद बने यहाँ के हैं जी, जी, किए जी। उपेंद्र कुशवाहा को देंगे। काहे उपेंद्र कुशवाहा को काहे दीजिएगा? देंगे जब वो लालू जी को जेल में है, उनको जमानत है, वो को मिल गया है, वो को जमानत पड़ल है, कानून का विरोध है कि नहीं? आप सभी लोग जो है जबरदस्ती रखे हुए हैं, या नियम कानून के विरोध में है, कानून जगन्नाथ मिश्र को माने बेल हो गया, लालू जी को क्यों नहीं बेल हुआ? उपेंद्र कुशवाहा आ रहे हैं जी, लालू यादव का उम्मीदवार हैं, और यहाँ के सभी गांव के सभी जाति के लोग यादव के साथ साथ जितने हैं सब कोई उपेंद्र कुशवाहा के साथ। उपेंद्र कुशवाहा क्यों? उपेंद्र कुशवाहा क्यों? हाँ, लालू यादव को लाना है। अच्छा, मतलब कि लालू यादव को जेल से छुड़ाना है, छुड़ाना है, उपेंद्र कुशवाहा को जिताना है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्यों? उपेंद्र कुशवाहा ही क्यों? क्यों उनके साथ है? क्योंकि उनके पार्टी के लोग हैं हम लोग, और लालू जी के हम लोग मानते हैं, मतलब कि लालू जी को आप लोग सपोर्ट करते हैं, समर्थन में हैं, इसलिए उनके साथ में हमें। हम लोग जो है से मोदी का पक्ष में है, हम लोग मोदी का जो है से जिताएंगे, ऐसे लग रहा है कि जो है से हम लोग मोदी से बहुत फायदा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा का क्यों? उपेंद्र कुशवाहा के अच्छे हैं, उम्मीदवार हैं, और यहाँ का अच्छा काम करेंगे उम्मीद है, इसीलिए हम उनके साथ। उपेंद्र कुशवाहा क्यों? उपेंद्र कुशवाहा क्यों? उपेंद्र कुशवाहा अच्छा नेता है, इसीलिए
और ये भविष्य में काम अच्छा करने वाला इंसान है। क्या लगता है अगर उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से आते हैं तो उससे आप लोग को कितना फायदा पहुँचेगा, उजियारपुर को क्या फायदा मिलेगी? बहुत फायदा मिलेगा जी, बहुत। अरे नौजवान को काम मिलेगा, किसान को मान लीजिए कि जे खाद बीज फलना चिलना इधर उधर में छूट फूट मिलेगा। अभी आपके सांसद नित्यानंद राय है, उनसे फायदा मिला आप लोग को? फायदा मिला है, उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। विकास आगे बढ़ा है, विकास का काम हो रहा है? हल्का फुल्का हुआ है, नहीं हो रहा है, हल्का फुल्का हुआ। 2014 में नित्यानंद राय जी और कुशवाहा जी एक ही दल में थे, और आज कुशवाहा जी और नित्यानंद राय जी आमने सामने लड़ रहे हैं। तो नित्यानंद राय जी को तो 5 साल लोग देखा, और उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ के न्यू उम्मीदवार हैं, लेकिन भरोसेमंद उम्मीदवार हैं, और ये महागठबंधन में है। इसमें कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी और हम चारों मिल के चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए नित्यानंद राय जी पर ये भारी है। तो देखा आपने, ये थे उजियारपुर के किसानों की राय कि 2019 में वो किसके साथ। हमारे चैनल को आगे देखने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।